इस वीडियो में हम क्लास टूवेल्व का वेरी फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर कोई नया चैप्टर नहीं है फर्स्ट ईयर का क्लास इलेवन का चैप्टर टू था रिलेशन एंड फंक्शन तो ये एग्जाम में ये पैटर्न में पूछेगा वन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फाइव टोटल टूएल्व मार्क्स का है तो बहुत सिंपल इसको अपने को समझना है और एक बात सबसे पहले रिलेशन जो है ऑलवेज इन पेयर्स पेड़ में बात होती रिलेशन की अगर बात करें तो अगर मैं जनरली अगर कहा तो फादर का बेटे के साथ रिलेशन है मदर का बेटे के साथ रिलेशन है बच्चों का टीचर्स के साथ रिलेशन है तो मैथमेटिक्स में क्या होता रिलेशन तो इन जनरल मैं बताऊं आपको क्या होता रिलेशन जैसे देखिए आप एक सेट ए है समझो वो सबसेट है किसका बी का ये एक रिलेशन हुआ या अगर मैं बोला थ्री एक नंबर है वो लेस देन है फाइव से ये एक रिलेशन हुआ या मैं बोला एक लाइन एल वन है और एक लाइन एल टू है दोनों आपस में लाइन परपेंडिकुलर है तो ये एक रिलेशन हुआ रिलेशन में सबसे पहले पेर सोना पेर्स होना तो अपन को रिलेशन देखने से पहले ना थोड़ा जो है फर्स्ट ईयर में जो देखे थे हम थोड़ा उसको जो है रिकैप करेंगे हम रिले रिलेशन के लिए अपने को कार्टेशन प्रोडक्ट का नॉलेज होना किसका होना कार्टेशन प्रोडक्ट का नॉलेज होना ये कार्टेशन प्रोडक्ट के सबसेट को ही जो है रिलेशन बोलते हैं अब ये कार्टेशन प्रोडक्ट क्या होता है अपन फर्स्ट ईयर में देखे हैं टू नॉन एम्प्टी सेट से बनता है टू नॉन एम्प्टी सेट से बनता है टू नॉन एमटी सेट अब मान के चलो एक सेट ले रू मैं ए ले रहा हूं समझो क्या ले रू मैं ए वन टू थ्री ले रहा हूं समझो एक सेट ए ले रहा मैं और एक सेट ले रू मैं और एक सेट ले रहा मैं क्या ले रहा हूँ बी ले रहा हूँ समझो के चलो वो ले रू मैं फोर फाइव सिक्स ले रहा हूँ समझो मैं टू नॉन एमटी सेट से कार्टेशन प्रोडक्ट बनता और उसी के सबसेट को जो है रिलेशन बोलते अब मैं कार्टेशन प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं क्या कैसे बना रू ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी तो ये वन का जो है पेड़ बनता फोर से फाइव से सिक्स से फिर टू टू का फिर थ्री का तो मैं बना रहा हूं मैं कैसे बना रहा हूं देखिए आप वन का किसके बनता वन का फोर से वन का फाइव से और वन का सिक्स के साथ फिर यह होता टू का फोर से फाइव से सिक्स से टू का फोर फाइव फिर टू का सिक्स के साथ फिर यह होता थ्री का फोर फाइव सिक्स के साथ थ्री का फोर फाइव और थ्री का सिक्स के साथ अगर एरो रिप्रेजेंटेशन की बात करें मैं तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे बना रहा हूँ मैं ये सेट ए है मेरा जो कि वन टू थ्री है और ये सेट क्या है मेरा बी है जो कि क्या है फोर फाइव सिक्स है अभी हम यहाँ पे जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्या है कार्टेसन प्रोडक्ट है ये वन का फोर से बना फाइव से सिक्स से टू का फोर फाइव सिक्स थ्री का फोर फाइव सिक्स ये बनाइए राइट ठीक है ठीक है ये जो है हमारा कार्टेसन प्रोडक्ट है इसके सबसेट को जो है रिलेशन सबसेट है किसका है कार्टेसन प्रोडक्ट का कार्टेसन प्रोडक्ट का अब देखेंगे हम थोड़ा इसको ना लॉजिकली समझ समझेंगे अपन अपन समझेंगे अब मान मानिए चलो मैं कुछ यहाँ पे रिलेशन ले तो मानिए चलो एक मैं रिलेशन ले रहा हूं एक रिलेशन ले रहा हूं रिलेशन को ना बिल्डर फार्म और रोस्टर फार्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं हम तो जैसे मैं यहाँ पे एक रिलेशन ले रहा रू मैं वो कै में ले रहा हूँ बिल्डर फार्म में ले रहा हूं जिसमें ले रहा रू मैं बिल्डर फार्म में क्या ले रहा रू मैं एक्स क्वाई समझो एक्स क्वाई वाई जो है ग्रेटर देन रहना एक्स से एक्स जो है वो सेट ए का रहना एंड वाई जो है वो से फॉर ऑल फोर ऑल वाई जो है वो बी का रहना वो बी का रहना और एक बात यहाँ पे ये जो आया इसको ऑर्डर पेयर बोलते क्या बोलते इसको ऑर्डर पेयर बोलते फर्स्ट वाला फर्स्ट सेट का होना ए का था सेकंड वाला सेकंड सेट का होना वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट वन क्रामा फोर नॉट इक्वल टू फोर क्रामा वन राइट अगर मैं इसकी बात करा थ्री क्रामा सिक्स थ्री जो है सेट ए का रहना ए का है सिक्स जो है बी का रहना बी का है ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्हें ऑर्डर पेयर बोलते हैं ऑर्डर पेयर बोलते हैं टोटल कितने ऑर्डर पेयर बने नाइन बने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वो नाइन बने कैसे बने यहां पे तीन था यहाँ तीन टू तीन वो नाइन बने राइट अब रिलेशन ये ये कार्टेशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट है इसी के न, कार्टेशन प्रोडक्ट के सबसेट को सबसेट क्या होता है पार्ट ऑफ सेट होता है ये भी बात अपने को मालूम वो कार्टेशन प्रोडक्ट के सबसेट को जो है रिलेशन बोलते हैं एक रिलेशन लिया मैं ये बिल्डर फार्म में लिया मैं x एक्स वाई सेट ए का रहना और वाई जो है सेट बी का रहना ए यहाँ पे ये यह है बी यहाँ पे ये यह है अब वाई ना ग्रेटर देन रहना एक्स ये कंडीशन को देखिए आप ये कंडीशन को देखिए वाई ग्रेटर देन रहना एक्स यानी यानी सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले से बड़ा रहना ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर पे फोर वन से बड़ा है अब ये वन क्या है अरे ए का है ये फोर क्या है अरे बी का है एक्स ए का रहना और वाई बी का रहना यानी वाई जो है बी का जो कि एक्स से बड़ा रहना यहाँ पे राइट right. ये जो है इससे बड़ा है यहाँ भी ये बड़ा है ये इस सिक्स वन से ग्रेटर देन है फोर राइट ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा फाइव भी आएगा, फाइव जो है थ्री से ग्रेटर रिलेशन ये बिल्डर फार्म में था अगर मैं इसके रोस्टर फार्म की अगर बात करा, तो पूरा बनता। क्या बनता? पूरा बनता? मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ क्या बनता आ, वन फोर वन क्वा फाइव और क्या होगा थ्री सिक्स होगा होगा राइट ना राइट यहाँ पे वाई जो है इससे बड़ा रहना अगर इसकी बात करा मैं थ्री थ्री एक्स बा थ्री है वा कितना है सिक्स है यहाँ पे यानी सिक्स थ्री से बड़ा है ये बना ये बना अरे ये पूरा क्या बना ये अरे ये पूरा क्या बना अरे काटेशन प्रोडक्ट बना क्रॉस बी बना आपने को मालूम सेल्फ भी जो है सबसेट होता है इट्स सेल्फ भी जो है सबसेट होता है ओके 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 और एक रिलेशन ले रूम और एक रिलेशन ले रूम मैं जैसे कि यहाँ पे रिलेशन लिए थे इसको कुछ नेम रख देंगे इसको आर वन बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको आर वन बोलेंगे इसको ये बिल्डर फार्म में था ये रोस्टर फार्म में आया और एक रिलेशन ले तुम्हें आर टू क्या ले तुम्हें और एक रिलेशन आर टू ले तो मैं आर टू ले रो मैं आर टू ले रहा पहले बिल्डर बिल्डर फार्म लेंगे बाद में क्या करेंगे उसका रोस्टर फार्म बनाने आता है मैं एक रिलेशन ले रो मैं क्या ले रहा हूं एक्स y एक्स कॉमा वाई ले रो मैं कैसा ले रहा हूं रिलेशन में वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री फॉर ऑल एक्स ए से रहना एंड वाई जो है set B का रहना ठीक है ये क्या है ये बिल्डर फार्म है. ये बिल्डर फार्म है इसका इसका अपन क्या करेंगे बना बनारो में तो देखिए क्या बनता है देखो इसका बिल्डर फार्म, तो फार्म. एक्स क्या रखना मैं यहाँ पे एक्स किसका रहना ए का रहना एक्स यहाँ पे ए का तो वन टू थ्री रख सकते मैं अगर तो एक्स यहाँ पे वन रखा तो मुझे वाई क्या मिला वन प्लस थ्री जीता हुआ ये फोर मिला फोर मिला राइट राइट ठीक है अगर एक्स में यहाँ पे टू रखा टू प्लस थ्री जीता हुआ वो टू प्लस थ्री जीता होता फाइव होता राइट 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 एक्स अगर मैं यहाँ पे थ्री रखा तो थ्री प्लस थ्री जीता होता सिक्स होता थ्री प्लस थ्री क्या होता सिक्स होता सिक्स होता क्या ये आर टू रिलेशन ट्राटेशन प्रोडक्ट का सबसेट है देखिए आप वन रामो फोर अरे यहाँ पे है फिर क्या है अरे यहां पे है फिर देखो, कामा अरे यहां पे है अरे अरे पे पे देखो ये इसका जो है पार्ट है वन कामा फोर, कामा जो है कार्टेशन प्रोडक्ट में आ रहा है इसी के सबसेट को जो है रिलेशन बोलते हैं आर वन भी जो है पूर, आर वन पूरा का था इट्स सेल्फ भी जो है सबसेट होता है ठीक है ठीक है मैं एक काम करता हूँ और एक रिलेशन ले तो मैं और एक मैं यहाँ पे रिलेशन ले रहा हूँ आर थ्री रिलेशन ले रहा हूँ मैं वो, य, वो बात यहाँ पे देखेंगे हम वो बात यहाँ पे देखेंगे आर थ्री एक रिलेशन ले रहा हूँ मैं सबसे पहले बिल्डर फार्म में बताता हूँ मैं इसको बाद में रोस्टर फार्म बना रहा हूँ एक्स क्वाई एक्स क्रामा मैं बता रहा हूँ एक्स जो है ग्रेटर देन वाई से है बोल रहा हूँ मैं वाई से है बोल रहा हूँ कॉमा फॉर ऑल एक्स जो है ए से रहना एंड वाई जो है सेट बी से रहना ये क्या है मेरा बिल्डर फार्म बना क्या बना बिल्डर फार्म अब इसको सबसे पहले क्या करते मालूम है रोस्टर फार्म बना तुम्हें रोस्टर फार्म बना रहा हूँ आर थ्री आर थ्री मैं नाम रखा आर वन आर टू आर थ्री कुछ रिलेशन लिया मैं अब ये ये आर थ्री देखना है क्या आर थ्री रिलेशन कार्टिशन प्रोडक्ट हमारा ये है क्या इसका सबसेट है क्या नहीं अगर सबसेट रहा तो क्योंकि सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही रिलेशन बोलते हैं अब देखो यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन रहना y से ये कंडीशन को देखिए आप x a से रहना और y b से रहना अब x बड़ा रहना x यहाँ पे वन ये ये फर्स्ट वाला x सेट a का ये फर्स्ट वाला x है जो कि a से रहना x बड़ा रहना है तो यहाँ भी नहीं है x ग्रेटर देन यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं इधर भी नहीं इधर भी नहीं थ्री टॉम फाइव एक्स ग्रेटर नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं मीन्स क्या बना अरे नल बना क्या बना इमटी रिलेशन क्या बना इमटी बना कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बन सकता अपने को मालूम है, है एनी सेट का सबसेट होता है यहाँ पे एक बात ये देखना है ये जो बना ना आर वन पूरा ट्राटेशन प्रोडक्ट के बराबर बना तो इसको क्या बोलते हैं हम मालूम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते यूनिवर्सल रिलेशन बोलते कब बोलते जब जो रिलेशन कार्टेशन के बराबर आ गया तो और जो रिलेशन हमारा इमटी बना यानी कार्टेशन में से कुछ भी नहीं बना नल आया फई आया तो इसको क्या बोलते इमटी रिलेशन बोलते इमटी रिलेशन या नहीं तो या नहीं तो नल रिलेशन या वाइट रिलेशन भी बोलते सम यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन एंड इमटी रिलेशन मिलकर जो है ट्रिवियल रिलेशन सिंपल वीडियो से बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में हमने देखा रिलेशन के लिए और अपने को डोमेन मालूम होना चाहिए ये डोमेन क्या होता है और अपने को रेंज क्या है वो मालूम होना चाहिए और अपने को क्रो डोमेन क्या है वो भी मालूम होना चाहिए फर्स्टर में देखिए डोमेन इन जनरल बताओ, बताओ में जो वैल्यू हम इनपुट करते मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स या नहीं तो जो वैल्यू इनपुट करते वो डोमेन होता है right? राइट बहुत सिंपल बताया रेंज क्या होता है रेंज जो वैल्यू आउटपुट मीन वाई की वैल्यू इन जनरल अगर बात जो वैल्यू आउटपुट आती है वो रेंज होता है क्रोडोम क्या होता है द सेकंड होल सेट अब मानिए चलो यहाँ पे सेकंड सेट क्या है फोर फाइव सिक्स तो ये जो है क्रोडोम हुआ डोमेन वैल्यूज ऑफ एक्स जो इनपुट करते हैं वो होता है रेंज वैल्यूज ऑफ वाई यानी जो आउटपुट जो रिजल्ट आता है वो रेंज होता है कोडोमिन द होल सेट सेकेंड इसका कोडोमिन है इस